प्रिय छात्रों, कक्षा 10 गणित के इस पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अध्याय 6 त्रिभुज में हम फिर में नंबर 6.3 कराते हैं। कल तक हमने 6.2 के कुछ सवाल कराए थे, आज हम 6.3 फिर में को देखते हैं। देखिए तो देखते हैं क्या है फिर में। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए क्या है दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी तथा डीई, त्रिभुज डीईएफ जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई। देखिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई। देखिए ये वाला इसके साथ ये और ये डबल निशान का ये, और तथा कोण सी बराबर ये एफ के है, और एवं भुजाएं जो है संगत वो समानुपाती हैं, एक निश्चित अनुपात में समानुपाती भुजाएं हैं। देखिए क्या होता, रचना करी हमने त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी पी, ए बी की बराबर डी पी काट ली तथा ए सी बराबर डी क्यू लेकर, ये बिंदु क्यू ले ली, पी और क्यू ले लिया और इसको हमने मिला दिया, मिलाया। अब ये त्रिभुज हमारे दोनों बराबर हो गए, सर्वांग सम होगा, चूंकि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पीक्यू डीपीक्यू, क्योंकि इसके कोण भी बराबर हैं और ये हमने भुजाएं भी नाप ली, नाप के काट ली, तो ये कैसी हो गई, ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गया। अब क्या होगा, देखिए कोण बी बराबर कोण पी बराबर कोण ई, कोण बी पी, क्योंकि ये कोण इसके बराबर भी होगा और ये इसके बराबर भी होगा, तो कोण बी बराबर पी बराबर कोण ई तथा पी क्यू समानांतर ई एफ हमने खींची है, अतः डी पी बटे पी, डी पी बटे पी बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, ठीक है। ये अनुपातिक प्रमेय है, क्योंकि डी पी बराबर ए बी है, डी पी किसके बराबर ली हमने ए बी के, तथा डी क्यू किसके बराबर ली ए सी के, रचना से क्या हमने, इसलिए ए बी हमने डी पी की जगह रख दिया है, ए बी रख दिया, ए बी बटा पी बराबर ए सी बटा क्यू एफ। इसी प्रकार ए बी बटा डी, ए बी बटा डी पूरी त्रिभुज कर लीजिए क्योंकि ये बराबर है, अनुपातिक है, और ए सी बटा क्यू एफ, इसलिए ए बी बटा डी बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटा डी एफ। जब ये संबंध हमारे पास आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है कैसा है, समरूप त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यही हमें सिद्ध करना था और ये फिर में यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। इस पर आधारित कुछ सवाल कराएंगे आगे जब प्रश्नावली आएगी। आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।